गोपाली बोलो शंकर की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। लेकिन यहां जो हर शख्स आ रहा है, जो माँ है, बहन है, बुजुर्ग है, हर एक ये महसूस करता है कि जब जाके वहां दर्शन लेके वो बाहर निकलता है तो उसके चेहरे पे जो खुशी नजर आती है, उसके चेहरे पे एक जो एक ऐसा दर्शन लेने के बाद एक जो शांति नज़र आती है, यह बहुत कम जगह नज़र आती है। तो ये मान्यता है, हिंदू धर्म की मान्यता है। जब हम जय श्री कृष्ण कहते हैं तो जाहिर है लल्ला, वहाँ नॉर्थ में लल्ला कहते हैं, या हम चाहे गुजरात हो चाहे राजस्थान हो, वहाँ जय श्री कृष्ण के नाम के जानते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में तो कृष्ण लीला बहुत सारा है, जिसमें यहाँ कार्यक्रम भी होता था, जो चाहे वो दहियांडी का हो चाहे बाकी काला के लिए भी है, जन्माष्टमी का काला के लिए भी मैं यहाँ बहुत बार आया था। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि ये यही खासियत है इस हलके की, इस एरिया की, चाहे वो गिरगांव हो, चाहे वो भुवनेश्वर हो, चाहे वो हमारा ये मुंबा देवी हो, ये इसकी खासियत है। और काशी के रूप में जानी जाती है जी, बिल्कुल। और ये मतलब ये परंपरा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह परंपरा इसी तरह आगे चले। और ख़ास करके जब मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ तो यकीन होता है कि यह परंपरा आगे चलेगी, क्योंकि बुज़ुर्गों के साथ जब यंगस्टर भी आते हैं और वो विश्वास रखते हैं इस बात पे, जब कोई भी बात पे विश्वास जब बढ़ता है तो वो आगे चलेगी। तो मुझे यकीन है, उन युवा को देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, और वो उसी धार्मिक भावना से, उसी भक्ति भावना से वहाँ आते हैं और इतनी बड़ी लंबी कतारों में, लाइनों में खड़े रह कर दर्शन लेते हैं। धर्म के बिना कोई भी देश नहीं चलता। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा इतिहास है, हम उस इतिहास के मालिक हैं, हिंदुस्तान उस इतिहास का मालिक है जो शायद दुनिया में बहुत कम देशों में पाया जाता है। सरस्वती की जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाली बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाली बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ऋषियों की जय जय, मुनियों की जय जय, भगवंत के प्यारे भक्तों की जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाली बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, माँ के स्वरी
शक्ति की जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाली बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो।